फूलों की कुछ बात कर रहा था मैं, तो भाई अक्सर घर में किस फूल की सब्जी बनती है? वो होता है गोभी का फूल। आलू के साथ मिला के बनाते हैं। मेरे फ्रिज में आलू गोभी बची हुई है, यानी कि लेफ्ट ओवर है, निकाल के लाता हूँ। किस तरह इंटरेस्टिंगली उसको यूज करेंगे हमारी रेसिपी में, जिसका नाम है क्रिस्पी कॉलीफ्लावर पावर बोल्स। ये रही हमारी सब्जी, देखिए कलरफुल है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। आलू है, गोभी है, टमाटर है, अदरक है। इसके साथ क्या क्या मिक्स होगा, आइए वो देखते हैं। एक लेते हैं हम मिक्सर का जार, मिक्सर के जार के अंदर जाएगी हमारी ये सब्जी। तो भाई फूल आप जा रहे हैं मिक्सी के अंदर। वैसे तो इस सब्जी के अंदर सारे मसाले मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा नींबू का रस हम डालेंगे इसमें। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा कैन पेपर। कैन पेपर नहीं है तो आप कश्मीरी मिर्च या फिर डेगी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच। विनेगर 2 चम्मच, क्योंकि क्रिस्पी फ्राई हम करने वाले हैं इसलिए विनेगर डालना इसमें जरूरी है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको बस ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करके एक प्यारा सा गीला गीला मिक्सचर मेरे पास तैयार हो गया है। आगे की तैयारी जो है उसके अंदर एक बोल हमें लेना है। बोल के अंदर क्या लेना है, लेफ्ट ओवर चावल भी हमेशा हमारे पास होता ही है, तो ये ब्राउन राइस है, पका हुआ है और बचा हुआ भी है, यानी कि लेफ्ट ओवर भी है। इसे निकालते हैं बोल में, आधा कप के करीब। इसके अंदर क्या जाएगा, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, साथ में थोड़ा सा शाही जीरा आधा छोटा चम्मच, स्वाद को स्पाइक करने के लिए मेपल सिरप या हनी, लेमन जूस 2 से 3 छोटे चम्मच। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हींग का पाउडर, करीब आधा छोटा चम्मच। ओके, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे कायन पेपर आधा छोटा चम्मच, स्वाद अनुसार इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। ओके, इसके बाद इसमें हम डालेंगे रेड कैबेज, बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे, थोड़ी सी, यानी कि करीब आधी मुट्ठी। ऑलराइट, अब करेंगे इसको मिक्स। ओके, राइस लॉ तैयार होने के बाद क्या करना है, भाई हमें जो हमारी ये गोभी जो हमने पीस के तैयार करी है इसके साथ कुछ प्रिपरेशन करना है। उसके लिए हमें तेल चाहिए एक पैन के अंदर। ओके, ऑयल हमारा यहां गर्म हो रहा है। गोभी का जो मिक्सचर है उसे निकालते हैं बोल के अंदर। इस फाइन पेस्ट के अंदर हम डालेंगे राइस फ्लावर 2 से 3 छोटे चम्मच। राइस फ्लावर डाल के कर लेते हैं इसे अच्छे से मिक्स। क्या बात है, देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा गट होता जाएगा, यानी कि स्टार्ट टेकिंग फॉर्म लाइक अ डो। देखिए हल्का सा ये टाइट हो गया है। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं ओट्स 4 से 5 बड़े चम्मच। ओट्स भी अक्सर हमारे डब्बों में रखे होते हैं। अगर ओट्स आपके पास नहीं है तो इसके अंदर आप ब्रेड क्रम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लेक्स जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करते हैं अब। हमारी जो बाइंडिंग है इसकी वो एकदम परफेक्ट है। तेल सही टेम्परेचर पे है कि नहीं हम देख सकते हैं। तेल के अंदर मूवमेंट चालू हो गई है, एकदम करेक्ट टेम्परेचर पे आ गया है। अब ये दोनों स्पून गीले कर लेंगे इस तरह तेल में, और ये जो मिक्सचर है इसको लेंगे कुछ इस तरह से। हमारे स्पून जो हैं बहुत अच्छे से क्रीम्ड होंगे विद ऑयल, तो आसानी होगी इस तरह का शेप देने में। ओके, इनटू द ऑयल, जब डालें तब स्पून टच कर लीजिए। अनदर लॉट, लेट्स चेक नीचे कहीं चिपक तो नहीं रहे सतह पर। धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं, तो जब तक ये हो रहे हैं फ्राई बीच में इनको थोड़ा बहुत चेक करते रहिए, नीचे चिपके तो नहीं है, इनिशियली चेक करना है, और हल्का हल्का हिला के घुमा के कलर सब तरफ से एक जैसा हो ये चेक करना है। अब हम क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी करेंगे हमारी प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन की तैयारी। उसके लिए हमारा ये सैलेड,
तो लीजिए तैयार है क्रिस्पी कॉलीफ्लावर पावर बोल्स और इसका रिकैप भी उतना ही क्रिस्पी है। देखिए क्रिस्पी कॉलीफ्लावर पावर बॉल्स बनाने के लिए मिक्सर जार में 2 कप लेफ्ट ओवर फूल गोभी की सब्जी, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच केन पेपर और 2 छोटा चम्मच विनेगर डालकर ब्लेंड करें। बोल में 1/2 कप लेफ्ट ओवर चावल, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, 1/2 छोटा चम्मच शाही जीरा, 1/2 छोटा चम्मच मेपल सिरप, 2 से 3 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच हींग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच केन पेपर, स्वाद अनुसार कुटी काली मिर्च और 1/2 कप लाल गोभी मिक्स करें। एक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करें। बोल में गोभी का पेस्ट लेकर 2 से 3 छोटे चम्मच चावल का आटा और 4 से 5 चम्मच ओट्स अच्छे से मिक्स करें। पैन में 2 स्पून की हेल्प से मिक्सचर को डंपलिंग्स की शेप दें और गोल्डन होने तक डीप फ्राई करें। प्रेजेंटेशन के लिए प्लेट में राइस मिक्सचर, 1 नींबू की स्लाइसेस और लेटस जूलियन रखें। डंपलिंग्स पर भुना जीरा स्प्रिंकल करें और प्लेट में सर्व करें। ओट्स और लाल शिमला मिर्च जूलियन से गार्निश कर सर्व करें। आपकी क्रिस्पी कॉलीफ्लावर पावर बॉल्स तैयार है।